मोस्तू तुम शनंदिया नंद शाह परम तत् पदवींद पव नमियों सिद्ध शोभा गुरुवे शे गोपति रुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ जिन वरहि अर्थ तिअर्थ जो भय विनाश भव जो मुनि ममलि ज्ञान परलोहि। देखो गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। श्री कमल 32 ग्रंथराज जी कार्यक्रम नंबर 32 का अपन वाचन कर रहा है मंगलाचरण। तत्त्वं च परम तत्त्वं परमाप्पा परमे भावदर्शिये परम जिनम परमिष्ठि नमाम्यम परम देवदेवस्य। श्रीमज्जिनतारायण स्वामी उनके द्वारा रचित ये कमलवती से ग्रंथराज जहाँ अपन मुक्ति मार्ग के उद्देश्य का संदर्भ दिया आत्म एकाग्रता आत्म ध्यान के लिए मंत्र उच्चारण। सिद्धे नमो नमः। जहाँ आचार्य श्रीमज्जिनतारायण स्वामी अंत में संपूर्ण कमलवती जी का तिलक करते करते कह रहे हैं कि हे भव्य जी, इस लोक में सार जिनेन्द्र भगवान का उपदेश का सार इतना थोड़ा सा सार है कि इतने अतः आगम को सुन के इतना विराट इतना जो जनैन भगवान का जो इतना विराट आगम है ना भैया, इतने विराट आगम को सुन के उसका एक छोटा सा सार है भैया। वो सार क्या है कि हे भव्य आत्मा, अपने वीतराग स्वभाव की दृष्टि को उपलब्ध कर। क्योंकि जब ये जीव अपने वीतराग भाव को अपने अंतर में देखेगा, अपने ज्ञायक परमात्मा को अपने अंतर में देखेगा, जब ये सर्वज्ञ देव की इस अमृत में वाणी को स्वीकार करेगा, तभी ये जीव जन्म मरण के बंधन से छूटेगा। सार है ये सार। कहते ना भैया, हर चीज का एक निचोड़ होता है। निचोड़, आप जैसे कि आप किसी चीज को कहना भैया ग्रहण नहीं कर पा रहे, तो क्या करो भैया, एक काम करो कि आप विटामिन डी की कमी आ रही है, तो आप विटामिन डी के लिए आप धूप में 4 घंटे 6 घंटे नहीं बैठ पा रहे, सुबह नहीं उठ पा रहे, तो क्या करो भैया, अर्क विटामिन डी का अर्क ले लो भैया। तो क्या होगा भैया कि विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। एक उदाहरण ऐसे भैया, ये गुरुदेव की वाणी ये कमलपत्ति श्री ग्रंथादिराज अपन ने सुना है, तो अपन ने कमलपत्ति श्री ग्रंथ सुना तो है, लेकिन अब बात इतनी चल रही है कि अपन ने 31 32 गाथाएं सुनी भैया, 31 गाथाएं सुनी। तो अब भैया पूछा गया, विचार किया अपन ने कि अरे अपन ने इस कमलपत्ति से क्या ग्रहण करा। अरे यार कुछ तो समझ में आया ही नहीं। वो 6 महीने साल 6 महीने 8 महीने में एक एक गाथा में क्या क्या अर्थ कह दिए, कहने लगे कि अब हमें तो एक भी याद नहीं है भैया, हम तो सब भूल गए। कौन सी गाथा क्या अर्थ था, कौन से शब्द का क्या अर्थ था, कौन सी गाथा में कौन से उदाहरण थे, कौन सी गाथा में कौन सी चर्चा थी, कहने कुछ भी याद नहीं है, सब खाली भैया। कहने क्या, कहने सब भूल गए। कहने इतनी 6 महीने 8 महीने की चर्चा में कितने सारे विषय आए, कितने सारे निकल गए, कहना कुछ याद नहीं, कहना कुछ याद नहीं है, कहना बिल्कुल भी याद नहीं। लेकिन अच्छा कोई बात नहीं, हर एक चीज का निचोड़ होता है, सार होता है। तो कहा ठीक है, 6 महीने में साल भर में जो आपने सुना बिल्कुल याद नहीं ना, कहले नहीं। तो भैया ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अंत में सार में सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी का सार में क्या कह रहा है कि इस पूरे आगम का सार, इस अतः ज्ञान का सार, इस पूरी जनवाणी का सार इतना भैया कि इन जिनेन्द्र भगवान के वचनों को सुन के जिन दृष्टि युक्त शुद्धम उनकी वाणी में ही आ रहा है कि
कि तूने यदि अपने शुद्ध स्वभाव की दृष्टि को प्रकट कर लिया तो भगवान जी ये पूरे आगम का सार हो गया। हे भव्य आत्मा, ये बताओ कि भव्य हो कि नहीं? भैया यदि भव्य हो तो कौन से वाले? एक भव्य जीव कभी मोक्ष नहीं जाता। कौन सा? दूरानुदूर भव्य। भव्यता तो होती है उसमें, भव्य तो होता है, लेकिन दूरानुदूर भव्य होने के कारण मोक्ष कभी नहीं जाता भैया, मुक्ति को कभी प्राप्त नहीं करता। और एक दूर भव्य होता है भैया, जो वर्तमान में निकट समय में मोक्ष तो नहीं जाने वाला, लेकिन हाँ भैया उसमें भव्यता को प्रकट करने की पात्रता है। लेकिन भैया मुझे तो ऐसा लगता है जो गुरुदेव के ग्रंथों से विशेष अध्ययन से जुड़े हुए हैं वो सब निकट भव्य वाले जीव हैं भैया। क्यों? क्योंकि जो निकट भव्य है, जिनके हृदय में भक्ति बहुमान और आनंद से ये भगवान की वाणी, ये भगवान के द्वारा कहा हुआ उपदेश जिन्हें शीघ्रता से ग्रहण हो रहा है। क्या ग्रहण हो रहा है? देखो देखो देखो, ये पूरे जिन वचनों का, कमल बत्तीसी जी का सार, ये पूरे जिन आगम में जितना उपदेश है उस उपदेश का सार, जिन दृष्टि उक्त सत्यम। क्या भगवान जी ये अपने वीतराग स्वभाव को या अपने अंतर आत्मा को अपनी ही दृष्टि में, शुद्ध दृष्टि में देखो भैया। शुद्ध दृष्टि संपूर्ण आगम का सार है, पूर्णतः से आगम का सार है। तो हे भव्य, कौन से भव्य का है? निकट भव्य का है, दूर भव्य का है, या दूरानुदूर भव्य का है? दूरानुदूर तो मिथ्या दृष्टि अर्थात अभव्य के समान ही है। वो समान है मतलब मुक्ति को नहीं जाएगा, लेकिन अभव्य जैसा नहीं है। उसमें क्या कहते हैं, भव्यता को प्रकट करने की पात्रता है, लेकिन करेगा नहीं, बस ये बात उसकी रुचि भैया। भव्यता को प्रकट कर, देखो देखो, संसार में ऐसे जीव भी हैं जिनमें भव्यता को प्रकट करने की पात्रता है, जो भव्यता को प्रकट कर सकते हैं, लेकिन जो आत्मा की रुचि ना होने के कारण से कभी उसे प्रकट नहीं करेंगे। ऐसे जीव भी श्लोक में है भाई। देखो तो भगवान आत्मा, ए जीव आत्मा, अपने अंदर में अपने ही आत्मा का बोध तो जगाओ कि देखो ये संसार कैसा चल रहा है, ये संसार कैसा अज्ञान में, मोह में, राग में, कर्तव्य में, भोक्तत्व में, कैसा भैया नाना प्रकार के विकल्पों में ये संसार किस तरीके से गोल गोल घूम रहा है भैया। और इस संसार की ऐसी दयनीय दशा देख के, इस संसार का ऐसा परिणमन देख के, इससे विरक्त होने की भावना तो भाव रे चेतन आत्मा। देखो तो क्या हो रहा है संसार में, देखो तो क्या घट रहा है संसार में, क्या एकमात्र एकमात्र देखो तो इस संसार में अज्ञान, अंधकार, मोह, राग, देश, विकार के अलावा कुछ भी नहीं घट रहा, कुछ भी नहीं घट रहा। आप इस संसार की एक भी घटना ऐसी बता दो संसार की जो अज्ञान रही, तो भैया अज्ञानियों की छोड़ देना, नहीं तो तुम केवल ज्ञानी की बताने लगो, अरिहंत भगवान की बताने लगो, अज्ञानियों की बात, संसारी जीवों की बात चल रही। एक भी घटना ऐसी बता दो जो अज्ञान से अलग हो भैया, जहां अनंत कर्म ना बन रहे हो, जहां अनंत अनंत जन्म मरण का भाव प्रकट ना हो रहा हो, जहां नर्क आदि गतियां ना बन रही हो, एक भी घटना ऐसी बता दो भैया। कोई भी घटना नहीं है ना भैया, सारी घटनाएं ये स्पष्ट अंतर में सिद्ध कर रही है। क्या सिद्ध कर रही है? कि अनादि काल से जीव को अपने संसार, अपने अंतर में ये संसार चतुर्गति की यात्रा का भाव दिखाई दे रहा है। देखो देखो देखो, यहाँ आचार्य श्रीमद चिंतारण स्वामी भव्य जीवों के लिए, निकटवर्ती भव्य जीवों के लिए संबोधन कर रहा है, क्योंकि दूरानुदूर भव्य तो प्रकटता होने सकती होगी तो भी रुचि नहीं लगाएगा। दूर भव्य भैया अभी वो आके नहीं बैठेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा अभी। क्यों? क्योंकि उसका निर्माण होना अभी बहुत देर से होना है, इसलिए अभी वो इस सत्य को ग्रहण करेगा नहीं भैया। क्यों? क्योंकि जल्दी सत्य को ग्रहण कर लेगा तो फिर भैया आराम से कैसे मोक्ष जाएगा। तो भाई दूरानुदूर भव को तो प्रकट ही नहीं करना, उसे तो रुचि नहीं लगाना। निकट भव, वो दूर भव को तो भैया कहेगा अभी टाइम नहीं है, टाइम नहीं है अभी, अभी भैया भोगों में, संसार में, कसाय में, विषय में, आसक्ति में दूर भव तो भैया व्यस्त है अभी, इंगेज है वो तो, अभी इंगेज है ना, व्यस्त है, उसके पास अभी टाइम नहीं है। लेकिन भगवान जी निकट भव्य की बात कहो यहाँ तो उसे समय है, समय सार निज अंतर आत्मा को, समय सार गायक परमात्मा को ग्रहण करने के लिए समय है उसके पास, जिसके लिए, जिस भव्य जीव के पास
निकटवर्ती भव्य जीव के पास, जिसके लिए समय सार को ग्रहण करने का समय है भैया, उनकी चर्चा यहाँ आचार्य श्रीमद चिंतारण स्वामी करते हैं कि उन भव्य जीवों की दृष्टि जिन दृष्टि उनकी दृष्टि अपने शुद्ध स्वभाव की ओर है, वो शुद्ध दृष्टि जीव है भैया। और वह शुद्ध दृष्टि जीव ही मन वचन काय तीनों योगों की एकाग्रता से इन समस्त कर्म बंधनों को जीत लेंगे, अपने वीतराग भाव को जीत के इस संसार चतुर्गति की यात्रा से छूट जाएंगे। कौन? भव्य 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 निकटवर्ती भव्य भैया। अब भैया यहाँ तो लक्षण मिला, हम आपसे रोज कहते हैं, आप रोज अच्छे से आज की चर्चा सुनते हो भैया, जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुनते हो, गुरुदेव का उपदेश सुनते हो, लेकिन अच्छा आज अपने हृदय से पूछ लो कि अपन दूरानुदूर भव्य है क्या? भव्य तो है ये बात तो पक्की, लेकिन दूरानुदूर है क्या भैया? भैया दूर है क्या या निकट है? और यदि निकट होने की भाषा आ रही है कि नहीं हम तो निकट भव्य है, गुरुदेव की ये वाणी आनंद अमृत को घोल रही है, रोम रोम में प्रकाश फैला रही है भैया, आनंद का उत्सव मन रहा है अंदर में, स्वीकार तो हो रही है कि वास्तव में इस दहे देवालय में ही वो दिव्य आत्मा वो चैतन्य प्रभु विद्यमान है, भगवान आत्मा, यदि वास्तव में उल्लास आ रहा है, उत्साह आ रहा है, तो निकटवर्ती भव्य हो। और निकटवर्ती भव्य का लक्षण ये है शुद्ध दृष्टि, वो क्या देखता है? अपने शुद्ध वीतराग पद को देखता है, ममले ममल स्वभाव को देखता है, अपने अंतर में निर्दोष अनंत गुणों को देखता है भैया, मेरे आत्मा में कोई दोष नहीं है, सारे दोष पर्याय के, सारा परिणमन पर्याय का खेल है भैया, सारी वैभाविक परिणति एक समयवर्ती पर्याय का परिणमन है। और देखो तो इन समस्त वैभाविक भाव से एकदम विरक्त अरे आत्मा शुद्ध चिद आनंद में चैतन्य प्रकाश में, अरे दिदित्यमान गुणों का पिंड है ये आत्मा, इस आत्मा को स्वयं अनुभूति का विषय बनाओ ना चेतन। देखो भैया निकटवर्ती भव का इतना ही काम, उसके अब क्या काम भैया? उसे मालूम है कि दो चार भाव में तो मुक्ति चाहिए, अरे 10-20 भाव में भी यदि मुक्ति हो जाए तो भी निकटवर्ती भव है। क्या कह रहा है? अरे भगवान आत्मा उसे पता है कि अब तो चला चली की वेला है, अब तो अपने वीतराग आत्म अनुभव अर्थात जो जिन दृष्टि है भैया शुद्ध दृष्टि है, अब तो कहना भगवान आत्मा स्वभाव को देखने की भर बात है बस, और कुछ नहीं देखना ही नहीं। अच्छा देखो देखो देखो, जो भव्य आत्मा अपने अंतर में दृढ़ श्रद्धान कर लेता है कि मैं ही वो गायक तत्व भगवान आत्मा, और जिसे भेद ज्ञान का विज्ञान प्रकट हो गया है कि देखो देह जुदा, ये संसार शरीर, ये चलने वाला पर्याय प्रणमन, ये सब अलग, और मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा अलग, जिसको सच्चा श्रद्धान है, और श्रद्धान के बल से जिसे भेद विज्ञान की कला आती है भगवान आत्मा, अब बताओ ना जो ऐसा सच्चा श्रद्धानी भेद ज्ञानी भव्य जीव है उसकी दृष्टि अपने वीतराग भाव से अलग कैसे होगी? वो अपने अंतर में अपने वीतराग स्वभाव को देखना बंद क्यों करेगा? देखो वीतराग भाव को वो नहीं देखेगा जो अज्ञानी, जो भगवान की वाणी को स्वीकार नहीं करता, जो जिनेन्द्र के वचनों की श्रद्धा नहीं करता, जो सर्वज्ञ को नहीं मानता, जो पंच परमेष्टी का आराधक नहीं है भैया, जो अपने आत्मा का विरोधी है, अपने ज्ञायक परमात्मा का जो निरोध कर रहा है भैया, वो जीव शुद्ध दृष्टि को नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि वो तो वीतराग धर्म का ही विरोधी है, वो तो चेतना का ही विरोधी है भैया। लेकिन देखो भैया अपन तो तत्व के श्रद्धानी है ना, सात तत्वों का यथार्थ स्वरूप समझ लिया ना अपन ने, सात तत्वों को जान लिया ना अपन ने, और सात तत्वों को जान के भेद ज्ञान की कला भी जानते ना भैया, जानते ना ये सारा संसार का पर्याय रूप परिणमन ये पर है, ये पर पर्याय का परिणमन है भैया, और मैं इससे भिन्न ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, तो अपनी श्रद्धा भी अच्छी है सच्ची है, और भैया अपना भेद ज्ञान का अभ्यास भी अच्छा है और सच्चा है कि मैं भिन्न हूँ प्रभाव से, और श्रद्धान भी बिल्कुल सच्चा है भैया, देखो देखो मैं ज्ञायक परमात्मा हूँ। अरे देखो तो भगवान आत्मा जिनका ज्ञान सच्चा है जिनका श्रद्धान सच्चा है उन्हीं की तो दृष्टि वीतराग स्वभाव पे, वही तो अपने शुद्ध बुद्ध परमात्मा को देख रहा है, वही ज्ञानी आत्मा तो द्रव योग भाव योग में क्या कर रहा है, वो जान रहा है भैया इस द्रव से इस भाव से, अरे देखो तो क्या ये विभाव भाव रूप परिणति से, और क्या कह रहे हैं ये कर्मों के आश्रय बंध से मेरी चेतना का कोई संबंध नहीं है, वही तो अपना उपयोग एकाग्र कर रहा है। देखो देखो
ध्यान मतलब हाथ पे हाथ रख के बैठना और पालकी मारना नहीं है। ध्यान मतलब क्या है? ध्यान मतलब क्या है? मन वचन काय के ये पुद्गल इंद्रिय विषयों का निरोध होके एकाग्रता होना। कहाँ एकाग्रता होना? देखो तो ये आत्मा ही शुद्ध बुद्ध परमात्मा है। इस सत्य में एकाग्रता आना भाई, इस सत्य में एकाग्रता आना, इससे योगों की चपलता रुकेगी। भगवान गुरु महाराज यही कह रहा है, क्या सद्य स्वभाव की दृष्टि होगी तो इन योगों की चपलता रुकेगी भाई। और ये मन वचन काय के योग स्थिर होंगे तो अपने आप ही कर्मों का क्षय होगा। कर्मों के क्षय का विकल्प हमें नहीं है अभी, अभी हमें ये विकल्प है, विकल्प ही है अभी, अभी तो ये विकल्प है, ये विचार है कि भगवान आत्मा, ये भगवान के जो वचन है, ये वचन अपनी दृष्टि में बने रहे हमें बस। अभी तो विचारों में अपने आत्म चिंतन का सहज परिणमन निरंतर होना चाहिए भगवान। देखो तो गुरुदेव की अंतिम कारिका और चलती विरिया, कहो तो आज तिलक कर दें अपन। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? ये जब हे भव्य आत्मा, हे ज्ञायक आत्मा, तू देख तो क्या कि जिनेन्द्र भगवान की जो अमृत में ये ज्ञान रस धार है, इस अमृत ज्ञान रस धार में उनका उपदेश क्या उपदेश? हे भव्य आत्मा, तू अपने ही वीतराग पद को देख, और जो अपने पद को देख रहा है वो शुद्ध दृष्टि का धारी है। और भगवान आत्मा, जिसने अपने पद को नहीं देखा, अपद को देख रहा है, अज्ञान को देख रहा है, अनीति देख रहा, अनीति कर रहा है भैया, देख बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है जी। कौन सा बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है भैया? स्वयं वीतराग पद में होने के बाद भी राग आदि पर्याय को अपना देख रहा है, इससे बड़ा अन्याय कौन सा है बता? इससे बड़ी अनीति कौन सी है? इससे बड़ा मायाचार कौन सा है भैया? क्या कि अपना विज्ञान में पद, अपना केवल ज्ञान में पद होने के बाद भी अपने विज्ञान घन केवल ज्ञान में पद को नहीं देख रहा, वो किसको देख रहा है? अज्ञान भाव में अनीति अनाचार भाव रूप ये जो संसार का परिभ्रमण है ना भैया, इस ओर देख रहा है। अपने शुद्ध बुद्ध पद को देखने को तैयार नहीं है, नहीं जी यायक पद को देखने के लिए तैयार नहीं है। ए भव्य आत्मा, जो जीव अपने स्वपद को देखने के लिए तैयार नहीं है, उसी का संसार में परिभ्रमण चल रहा है। सावधान आत्मा, सावधान सावधान सावधान, अपने पद को देख लो रे, नहीं तो अनंत संसार है। सावधान अपने में रहो, अपने स्वपद को देख लो। यदि जीवात्मा इस स्वपद को नहीं देख पाए, यदि गुरुदेव की अमृत में वाणी का ये अर्क प्रकाश यदि अपने हृदय में नहीं जागा, तो भैया अर्घ भूले और नरक सीढ़ी पड़े, नरकों की वेदना सहन करनी पड़ेगी भगवान। यदि नरकों की वेदना का दृश्य भी देख लोगे ना, यहाँ कल वो जैन फाउंडेशन में डाला था उस नरक गोष्ठी वाले ग्रुप में, तो लोगों ने जब उस वीडियो को देखा तो लोग कहने लगे भाई रात भर नींद नहीं आई। मैंने कहा भगवान आत्मा, ये जो वीडियो में जो वेदना दिखाई जा रही है ना, ये नर्क की वेदना का 1% भी नहीं है। जो देख रहा है वो 1% भी नहीं है, वहां इससे अनंत गुना ज्यादा वेदना है। जीवात्मा यदि ऐसे प्रकाशवान अर्क स्वभाव को भूले तो नर्क ठिरी पड़े, कहाँ जाओगे? नर्क में जाना पड़ेगा चेतना। तो जीव को ऐसे अपने स्वभाव का, ऐसे शुद्ध भाव का बोध नहीं आ रहा, बस इतनी सी कमी है। और जीवात्मा जब तक अपने अंतर स्वभाव का बोध नहीं आ रहा, जब तक अपने ज्ञायक तत्व का बोध नहीं आ रहा, तब तक ये संसार की यात्रा जैसी की तैसी चल रही, जैसी की तैसी चल रही है। कर लो रे थोड़ा सा आत्मा का स्मरण कर लो, देखो गुरु की ये अमृतमय वाणी ये ही अपने अंतर ज्ञान का दीपक जलाने वाली है। बस कहते हैं जोत से जोत जलती है, तो अपने सदगुरु तारण तरण देव, ये दिव्य ज्ञान से, अवधि ज्ञान का अंकुरण तो है इनमें, लेकिन ये दिव्य आत्म ज्ञान से अलंकृत है भैया। इन्हें ये रत्नत्रय के धारी हैं, आत्मा का ज्ञान में अनंत प्रकाश इनके स्वानुभव में बरत रहा है। देखो तो इनके ज्ञान में दीपक से, इनके ये अमृत में उपदेश से अपने हृदय की ज्योति को जगा लो रे, सच्चा श्रद्धान प्रकट कर लो। क्या ही अपने वीतराग स्वभाव को देखना ही हितकारी है और बाकी सब अनिष्ट है। हृदय अपने हृदय को प्रसन्न चित्त करके दीपक से दीपक जला लो भगवान जी, ज्योत से ज्योत जला लो, ज्ञान ज्योति से अंतर आत्मा की ज्योति जला लो। और जब अपने हृदय में ये गुरुदेव के अमृत में वचनों का सहकार होगा, गुरुदेव की अमृत में वाणी का सहकार होगा,
जब ये अंतर आत्मा की ज्योत से ज्योत जलेगी, जब कल्याण का मार्ग बनेगा भगवान जी, संसार चतुर्गति पर्याय भाव परिणमन भाव छूटेगा और ये जीव सिद्धि मुक्ति के सुख को विलास करेगा। भैया एक ही एक बात कब तक सुने, हम आपको कई बार इस प्रश्न का जवाब दे चुके हैं, जब तक आप ध्यान में लीन ना हो जाओ तब तक, जब तक आपका स्वयं का चिंतन ना चलने लगे तब तक, जब तक आप यहाँ बैठ के सुन रहे हो ये शब्द आपको सुनाई ना दें, आप इन शब्दों को सुनना भूल जाओ और आपको ये स्वीकारता का आनंद आने लगे कि हाँ 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 मैं ही हूँ वो तत्व, मैं ही हूँ वो ज्ञानानंद स्वभाव, ही वो जिन स्वभाव को जिसको देखने की प्रेरणा या तारण स्वामी दे रहा है वो वीतराग स्वभाव आपकी दृष्टि में आ जाए और आपके सामने सारे विकल्प और विचार मिला जाए भैया, तब तक सुनो भगवान आत्मा बस। और जैसे सुनना बंद हो जाएगा, देखो देखो हम लोगों को बहुत सारे लोगों को समाधान देते हैं, भाई तत्व चर्चा कब तक सुने, तत्व चर्चा कब तक सुने, हम कह रहे हैं जिस दिन तत्व चर्चा में बैठ के तुम्हें तत्व की बात सुनाई देना बंद हो जाए और तत्व स्वयं दिखाई देना प्रारंभ हो जाए तब तक सुनना भैया बस। और जिस समय तत्व दिखाई देने लगे उस समय महा बैठे हुए भी तुम उस तत्व देशना को सुनने वाले नहीं हो भैया, तत्व तो पीने के लिए है, तत्व तो अमृत रस का पान करने के लिए है, तत्व तो डूबने के लिए है, लेकिन भैया जब तक नहीं डूब पा रहा है, जब तक चारित्रिक कमजोरी है तब तक सुन सुन के काम चला। और सुन के क्या काम चला रहे हैं, अरे काम नहीं चलाओ, सुन के अपने श्रद्धान का विकास करो भगवान आत्मा, अपने चारित्र की निर्मलता की भावना तो भाव, क्या भावना, अरे देखो तो गुरुदेव कितनी करुणा से कह रहे हैं कि राग आदि विकारी ये सारा परिणमन ये तेरी दृष्टि में जब तक बसा है तब तक तुझे अपने वीतराग तत्व की उपलब्धि नहीं हो रही भाई, अपनी दृष्टि से इस विकार भाव रूप परिणमन को नकार, अर्थात ये है भैया, ये उपाधि नहीं है, ये देखने योग्य नहीं है, ये आत्मा के लिए हितकारी नहीं है, ये अनिष्ट का मूल है, लेकिन भगवान आत्मा एक बार सच्ची सच्चे हृदय से एक बार अंतर आत्मा से ये संकल्प तो लो, गहरा संकल्प लो, क्या गहरा संकल्प लें, कैसा संकल्प लें, देखो तो देखो तो देखो तो देखो तो देखो तो अपने अंतर हृदय में गहरा संकल्प लो, क्या कि जिन दृष्टि, अरे जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है वो ही मेरा स्वभाव है बस। भैया एक ही बात को कितना गोल गोल घुमाओगे, जब तक आपको वो अपन नियम ले लिया ना, जब तक वो परमात्मा ना दिखाई दे जाए अभी बैठे बैठे यही, जब तक उस तत्व का आह्लाद अंतर से ना उछल जाए, जब तक वो तत्व मात्र अपने बोध में ना आ जाए कि हाँ वही वीतराग चतुष्टय में मेरा अपना स्वभाव है, जब तक वो अपने बहुमान में ना निकल के आए तब तक एक ही बात सुनो बस। हम तो कई बार जीवों से ये कहते हैं भैया नियम ले लो नियम, कि हम आत्मा 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 ही सुनेंगे और आत्मा ही आत्मा रटेंगे, कब तक, जब तक अपने मन में संशय होना बंद ना हो जाए कि वो आत्मा मैं ही हूं, जब तक अपनी बुद्धि तर्क करना बंद ना कर दे, जब तक हमें दूसरा कोई विकल्प आना बंद ना हो जाए, जब तक हमें उदाहरण सुनाई ना दे, उदाहरण दे और हमें आत्मा ही आत्मा सुनाई दे, हम उदाहरण दे आगम की चर्चा करें और आपको आत्मा ही आत्मा दिखाई दे, जब तक अंतर आत्मा ज्ञान परिणति से अपना मिलान ना होने लगे तब तक आप तो संकल्प ले लो कि हम स्वभाव के अलावा कुछ सुनेंगे नहीं और किसी को सुनेंगे नहीं, सिर्फ आत्मा बस, चिदानंद 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 और सहज आनंद घन पिंड वो जो गायक परमात्मा है, जब तक अंतर से सारे द्वंद्व ना निकल जाए तब तक एक ही एक ही एक ही भजन है अपने पास और वो है आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, गुरुदेव की अमृतमय वाणी, और वो कह रही है जिन दृष्टियुक्त सुद्धम जिनयति ती कम जोएन ती जोएन, भैया सुनो तो क्या जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि अपने अंतर में ही अपने स्वभाव की दृष्टि को प्रकट करो, शुद्ध दृष्टि से देखो तो अपने आप ही मन वचन काय की एकाग्रता सहित भाव योग द्रव्योग सब सुधरेंगे और ये आत्मा अयोग्य भैया अपने भीतराग भाव को प्राप्त करेगा, क्या है ना ज्ञान सहावे ज्ञान का आश्रय लोगे तो विज्ञानम केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, इससे पता। अच्छा और मोक्ष मार्गी श्रावक का लक्ष्य क्या है, पंच दीप्ति में केवल ज्ञान स्वभाव की व्यक्तता तो है ही, ज्ञाने ने ज्ञान लंकृतम ज्ञान से ज्ञान में केवल ज्ञान पद को प्रकट करना ही तो ज्ञानी का लक्ष्य हो रहा है, क्या क्या यानी अज्ञान को मिटाने का एक उपाय क्या, सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान सम्यक ज्ञान का पूर्ण रूप केवल ज्ञान, ये भी पूर्णता ही तो लक्ष्य है,
ये अंतर में केवल ज्ञान में अनंत चतुष्टय जो अपना वीतराग पद है, इस केवल ज्ञान में अपने चतुष्टय पद को पूर्ण पद को प्रकट करना ही तो लक्ष्य है। और क्या लक्ष्य है चेतनात्मा? तो जीवात्मा इस पूर्ण लक्ष्य को, इस पूर्ण परमात्म तत्व को अपनी स्वानुभूति में जान दो, इसका ही नाम साधना है। तो भैया जो भव्य होते हैं, भव्य जीव है, निकटवर्ती भव्य जीव है, उनकी दृष्टि में ये वीतराग भाव अर्थात अपना ज्ञायक तत्व ही दृष्टि में दिखाई देता भैया। ये तो पहचान है कि भैया हम निकट भव है कि नहीं, हमारी मुक्ति, हमारा निर्वाण कितनी दूर है, भगवान जी हमारा कल्याण कितनी दूर है। अरे देखो तो आपके अंतर में, देखो अपने अंतर का परिचय, अपने अंतर की परीक्षा, हमारा निर्वाण, हमारी मुक्ति कितनी दूर है। भगवान आत्मा देखो जितना आपसे आपका आत्म अनुभव दूर है बस उतनी, उतना आपसे आपकी मुक्ति उतनी दूर है जितनी आपको आत्मा की रुचि नहीं है, बस उतनी दूर है। बस आपको यदि अपने तत्व की रुचि नहीं है ना, जितनी आपको अपने आतत्व, जितनी आपको आतत्वों की रुचि है, जितना आपको आश्रद्धान है, बस उतना ही मोक्ष मार्ग आपसे दूर है भैया। बस जितना तत्व का श्रद्धान है, जितनी तत्व की रुचि है, जितना अपने स्वभाव की ओर अपना ही रुझान है भैया, अपनी दृष्टि स्वभाव की ओर है भैया, उतना निकटवर्ती भव्य जीव है। जितनी प्रगाढ़ता से अपने स्वभाव को जीव देख रहा है, उतनी शीघ्रता से निर्वाण हो जाएगा। अरे भगवान आत्मा ऐसी अमृत में भगवान की वाणी सुन के अब तो स्वीकार कर लो कि मेरा स्वभाव ममले ममल स्वभाव है। तारायण स्वामी कह रहे हैं ममल स्वभाव के आशे रहोगे तो मुक्ति गमनम चा, मुक्ति की प्राप्ति होगी। भैया क्या करें, चाहते तो हम भी मुक्ति हैं, लेकिन वो मुक्ति मिलती क्यों नहीं, ये बात समझ में नहीं आ रही। भगवान जी मुक्ति उन्हें मिलती है जो वास्तव में सच्चे हृदय से मुक्ति को चाहते हैं। अरे क्यों? क्योंकि मुक्ति आत्मा का स्वभाव है। देखो कितनी बड़ी बात है ये कि मुक्ति मुक्त आत्मा का स्वभाव है, मुक्ति आत्मा का स्वभाव है, मुक्ति कहीं बाहर नहीं है, मुक्त आत्मा ही है, मुक्त आत्मा का स्वभाव है। लेकिन भैया वो मुक्ति प्राप्त क्यों नहीं होती, वो मुक्ति प्रकट क्यों नहीं होती, वो मुक्ति प्रकट इसलिए नहीं होती, वो मुक्ति अंतर से उपलब्ध क्यों नहीं हो रही भैया, इसका कारण तो ढूंढो। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो मुक्त स्वभाव प्रिय नहीं लग रहा, इसलिए मुक्ति उपलब्ध नहीं हो रही। अरे अपन कहते हैं ना भरत जी घर में ही वैरागी, क्या कह रहा है अर्जुन युद्ध के मैदान में कर्म बंधनों से मुक्त है भैया। राजा जनक विधेय राजा जनक का उदाहरण आता ना क्या, कि वो अपने राज शासन के बीच में विधेय जनक भैया, क्या वो इन संयोगों के बीच में विधेय है, अधेय ही। ये कैसे वो इन समस्त राज शासन के बीच में विधेय है भैया, उनकी दृष्टि उनके स्वभाव पे भाई। कितना अपने कितने विद्वानों के मुंह से वो उदाहरण सुना होगा क्या, कि राजा जनक की परीक्षा लेने एक पुरोहित आया कि आप घर में रह के विधेय और मैं संसार में रह के ये वो, मैं क्या बोलते हैं, मैं जंगलों में रह के साधना कर रहा हूँ, तो आप मुझे राग के भाव उत्पन्न हो रहा है, आप घर में रह के विधेय कैसे हो सकते हो। तो वो अपन उदाहरण पढ़ते हैं ना, आपको लंबा नहीं खींचेंगे, शॉर्टकट में बोल रहे हैं कि राजा जनक ने गर्दन पे दो तलवार रखवा दी और क्या कहा, ये दीपक से एक बूंद भी तेल ना छलके और जाओ इसे पूरा का पूरा हमारा राज शासन घुमा लाओ, पूरा महल घुमा ला, कितने हीरे कितने मोती कितने भोग कितनी रानियां कितनी पटरानियां कितने स्वर्ण कितना चांदी कितना वैभव है सब घुमा ला। लेकिन भगवान जी वो पुरोहित वापस आया तो उससे पूछा कितना क्या क्या देखा, कहने लगे भगवान आत्मा तेल की बूंद के अलावा और कुछ नहीं देखा, उस दिए के अलावा कुछ नहीं देखा। कहने लगे क्यों नहीं देखा, और कुछ दिखाई क्यों नहीं दिया, और कुछ सुनाई क्यों नहीं दिया, और कहीं उपयोग क्यों नहीं गया, और कहीं तुम रुके क्यों नहीं, और कहीं तुम थमे क्यों नहीं। कहने लगे भगवान जी जान जाने का डर था, अरे दृष्टि हट्टी और गर्दन कट्टी। कहना भैया जब तुम अपनी एक गर्दन बचाने के लिए
एक भाव के जन्म मरण को, मरण के दुख को, एक भाव के मरण के दुख को रोकने के लिए जब तुमने अपनी दृष्टि इस दिए से नहीं हटाई, तो भगवान जी ज्ञानी विदेह जनक कहले में तो जन्म जन्म के मरण को, जन्म मरण को अभाव करने की भैया भावना भा रहा हूं। जन्म मरण का, अनंत जन्म मरण का अभाव करना है। बताओ, जब एक भाव के मरण के भय से तुमने एक बूंद तेल की नहीं गिरने दी, तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दिया, तो भैया मुझे तो इस भाव भाव के मरण की वेदना को मिटाना है। तो बताओ मुझे ये संसार में, इस राज शासन में, इन भोगों में कहां कुछ दिखाई दे सकता है। ये है ज्ञानी की दृष्टि भाई। उसे भाव भाव के जन्म मरण का रोग मिटाना है। उसे भवोदधि संसार में जो भाव भाव में रुल रहा है, भाव भाव में जिसको अनंत वेदना हो रही भैया, उसे भाव भाव के दुखों का अभाव करना है। और जिस भव्य जीव को भाव भाव के दुखों को मिटाना है भैया, वो बता वो भव्य आत्मा कैसे अपनी दृष्टि इन पर पर्याय भोगों में दे सकता है, वो कैसे अपनी दृष्टि काम विकार में दे सकता है, उसे कैसे भौतिक सुख सुविधाओं में आनंद आ सकता है, वो कैसे भोग विलास में डूब सकता है भैया। अरे वो भोग विलास में कहाँ से डूब सकता है, जिसकी दृष्टि अपने ही ज्ञान मात्र स्वभाव पे है भैया। वो ज्ञानी श्रावक कैसे एक क्षण के लिए भी अपने अंतर आत्मा की दृष्टि से, अपने ज्ञायक पद की दृष्टि से अलग हो सकता है। देखो भैया, उदाहरण के माध्यम से अपन उस पुरोहित की दशा तो समझ सकते हैं। गर्दन पे एक तलवार रखी हो तो वास्तव में आस पास में कुछ दिखाई देने वाला नहीं। ऐसी भगवान आत्मा अपनी गर्दन पे भी तो तलवार रखी हुई है। कहा कि ये काल रूपी, ये पंचम काल में जन्म दिया है, इस काल रूपी लुटेरा, ये काल, अपन पढ़ते ना विराग भावना है, काल सर पे खंजर लिए तैयार है। अब याद नहीं है समय, कुछ नहीं बता सकते। तो क्या कह रहा है कि ये काल अपने सर पे खंजर लिए बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ भैया, कौन बच सकता है इससे, इसका गहरा वार, कब ये आपको इस तन से लेके उड़ जाएगा, इससे कोई बचने वाला नहीं है, चाहे राजा हो चाहे रंग, कोई नहीं बच सकता भाई। लेकिन भव्य आत्मा सावधान सावधान सावधान, क्या सावधान, जब इस काल के गाल से, इस काल के चक्र से कोई नहीं निकल सकता, तो भगवान आत्मा एक काल की तलवार अपने ऊपर भी तो लटक रही है, है? तो अपने को इस संसार कैसे दिखाई दे रहा है, इस संसार कैसे दिखाई दे रहा है, अपने को ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा कि एक समय भी उपयोग यदि पर में गया, एक समय भी हमने पर पर्याय को मान्यता दी, एक समय के लिए यदि मिथ्यात भाव को हमने पोषण किया, एक पल के लिए भी यदि हमने अश्रद्धान का भाव पोषण पोषित किया, मिथ्या श्रद्धान को पोषित किया, जिनकी अनुबोधना नहीं करनी चाहिए ऐसे अज्ञान की अनुबोधना करी भैया, जिसे है मानना चाहिए यदि उसे उपादे माना, जिसकी इच्छा नहीं होनी चाहिए यानी उन व्यसनों की इच्छा करी, उन भोगों की इच्छा करी, तो मेरा जीवात्मा अनंत जन्म मरण के लिए इस संसार में चला जाएगा। ये काल रूपी तलवार गर्दन को ले जाएगी भैया निकाल के, और क्या होगा, अनंत भव भ्रमण की यात्रा के लिए, अनंत जन्म मरण के लिए मेरा जीव इस संसार में परिभ्रमण करता रहेगा। ए भव्य आत्मा, ऐसी बात सुन के भी कि ऐसी बात सुन के भी क्या तेरी दृष्टि इन भौतिक विषय सुखों पे है, क्या इन विषय भोगों पे है, क्या अभी भी तू धन संपत्ति को जोड़ना चाहता है, क्या अभी भी तू पुत्र कुटुंब कबीले को बढ़ाना चाहता है, क्या अभी भी तू भैया राज शासन और वैभव को चाहता है, क्या अभी भी तू इंद्रिय सुख में डूबना चाहता है, क्या अभी भी तेरी रुचि इस संसार विषय आसक्ति की लग रही है। हे भव्य आत्मा, अपने अंतर में देख तो चेतन, वो चिंतामणि महारत्न, वो चैतन्य स्वभाव जगमगा रहा है। जिन भगवान की बात तो मान कि शुद्ध दृष्टि से अपने वीतराग पद को देख, तो संसार भाव से छूटेगा, तो इस काल से बच पाएगा चेतन आत्मा, और नहीं तो काल लूपी लुटेरा अनंत दुर्गतियों की ओर ले जाएगा भाई, अनंत संसार में जन्म मरण कराएगा, नर्क निगोद के दुख भोगने पड़ेंगे चेतन, भयानक पीड़ा भोगनी पड़ेगी। ए जीवात्मा, कब तक अश्रद्धान का पोषण करोगे रे। अरे सुनो तो, ये अश्रद्धान ऐसा गजब का, ये तत्वों के प्रति अश्रद्धान, ये अपने स्वभाव के प्रति अश्रद्धान, अपने स्वभाव के प्रति अविश्वास, ये ऐसी खतरनाक जहर है, ये ऐसा खतरनाक जहर है अरे, कि आत्म अनुभव होने के बाद, उपशम सम्यक दर्शन होने के बाद भी
यदि किसी जीव को अश्रद्धान का परिणाम आ जाए तो भगवान जी वो पहले गुण स्थान में गिर के आ जाता है। इतना खतरनाक है, आत्मा को जानने के बाद भी ये आत्मा को पतन की ओर ले जा सकता है। ये बात है कि अर्धपुद्गल परावर्तन में वो जीव निर्वाण को प्राप्त करेगा, वो तो अर्धपुद्गल परावर्तन तक की कहानी अटक गई, लेकिन चेतन आत्मा देखो तो ये आश्रदान, ये मिथ्यात्व की भावना, ये मोह के परिणाम, इस जहर को देखो तो अपने वितराग तत्व को जानने वाला भी कोई भव्य जीव, एक बार अपने निराकार आत्मा की अनुभूति करने वाला भी कोई सारी मिथ्या दृष्टि जीव भी भगवान जी उपसम सम्यक्त को उपसमिक भाव को प्राप्त करने के बाद ए भव्य आत्मा पहले गुण स्थान में पतन कर सकता। देखो तो ये आश्रद्धान, ये मिथ्या मान्यताएं, ये संसार की भावना कितना गहरा विषय। और अपन इस विष को, इस विषय भोगों को अपन सुखकारी मान रहे हैं, हितकारी मान रहे हैं, इस मिथ्यात्व की जड़ को अपन उखाड़ नहीं रहे, आश्रद्धान को अपन पलट नहीं रहा है, अपने को अंतर हृदय से भाव प्रकट नहीं हो रहा, अरे भगवान की वाणी सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, मुझे स्वीकार है क्या कि देखने योग्य पद तो मात्र जिन पद है, अरे जिनेन्द्र समान लिंग है मेरा, मैं जिन लिंगी हूँ भगवान जी मेरे लिए दिगंबर लिंग साधु लिंगी श्रेष्ठ है, भावना तो भाव। जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है कि साधु पद को धारण करो और निर्वाण की प्राप्ति करो, कम से कम भाव तो भाव भैया, शीघ्र अति शीघ्र इस संसार के जन्म मरण को मिटा के, अरे मिथ्यात मोह की जड़ को उखाड़ के, चारित्र मोह का भी अस्तित्व उखाड़ के, शीघ्र अति शीघ्र भैया हम मुनि होंगे, अरे भाव भावों की पीड़ा को मिटा देंगे भैया, इस संसार में नहीं रुलेंगे, इस संसार में जन्म मरण नहीं करेंगे, हम तो इस चतुर्गति के परिभ्रमण को क्षण में विनाश कर देंगे भैया, क्षण में नाश कर देंगे। कम से कम हृदय से भावना है तो भाव भगवान आत्मा, हृदय की भावनाओं को तो प्रेषित करो, देखो भव्य जीव हो कि नहीं भैया, अभव तो मत कहना, अरे भैया अभव नहीं कह दे रहा है, दूरानुदूर भव्य कह दे रहा है, क्या अंतर पड़ा, लेकिन हो तो मोक्ष से, हो तो अपने 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 आत्मा से दूरी ना, हो तो अपने ज्ञायक पद से दूरी ना, तो ये क्या करे, अरे भैया यदि निकट भव हो तो फिर भावनाओं की अंजलि बना के इस वितराग भाव को पी जाओ ना कि मेरे ही वो ज्ञान मात्र तत्व है। क्यों देर कर रहा है, इतनी देर क्यों कर रहा है बताओ तो, अच्छा बताओ किसका इंतजार कर रहा है मोक्ष चलने के लिए, सावधान जीव सावधान, बिल्कुल प्रमाद नहीं चाहिए एक सेकंड का भी, हमें तो इस बात का जवाब दे दो कि किस घड़ी का इंतजार कर रहे हो मुक्ति के लिए, कौन सी घड़ी आएगी जिस समय मुक्त हो जाओ, किसका इंतजार कर रहे हो, कौन तुम्हें मोक्ष लेके जाएगा भैया, कहले मारीची के जीव को तो सिंह की पर्याय में दो रिद्धिधारी मुनिराज उठा के मोक्ष ले गए, अरे नहीं रे चेतन आत्मा, दो रिद्धिधारी मुनिराज नहीं, वो उसकी उपादानगत योग्यता, उस सिंह के जीव को उस हिरण में क्या था वो जिज्ञासा पहले प्रकट हुई, और भावलिंगी मुनिराज बाद में आए भैया, संबोधन बाद में हुआ, देखो अति से जिज्ञासा का अति से, उसकी होनहार थी, उसकी काल लब्धि थी, देश लब्धि का काल आ गया था, करण लब्धि का काल आ गया था, तीन करण प्रकट होने थे, ये सब तो हम सब जानते हैं भैया, लेकिन जब वो तीन करण प्रकट होते हैं, जब देश लब्धि का काल खिलता है, तब उसके अंतर में पहले जो जिज्ञासा प्रकट हुई, पहले उसके अंतर में जो भाव दशा बनी, आहा देखो तो ये हिरण छटपटा रहा था, और देखो इस छटपटाते हिरण में शांति छा गई, ओहो ये तो भग भी नहीं रहा, ये तो हिल भी नहीं रहा, अरे कहाँ गया इसके अंदर का, कौन था, क्या था, कैसा था, जब ये जिज्ञासा ने जन्म लिया, जब इस भावना ने जन्म लिया कि कहाँ गया वो कौन जो इसमें था, दौड़ रहा था, भाग रहा था, जब परिणामों में विशुद्धि आना प्रारंभ हुई, जब परिणाम शांत होना प्रारंभ हुए, जब भाव की विशुद्धि बढ़ने लगी, अंतर से जिज्ञासाओं के अंबार फूटने लगे, अरे अंतर में करण लब्धि का काल आ गया, तो बाहर में रिद्धिधारी मुनिराज स्वयं उस जिज्ञासु के पास इस जिज्ञासा बस देखने आ गए कि सिंह की पर्याय में कूर हिंसक प्राणी सम्यक दर्शन कैसे प्रकट कर सकता है, वो तो देखने आए थे कैसे प्रकट करेगा, वो सुनाने नहीं आए थे, सुनाने का लक्ष्य लेके नहीं आए थे कि हम जाएंगे उसे उपदेश देंगे वो सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, वो तो देखने आए थे जिज्ञासा बस, क्योंकि इंद्र की सभा में चर्चा हो रही थी, तुम तो उन्होंने वो देखने आए थे कि क्या क्या कैसे करेगा वो,
तो देखो भैया, वो अपनी जिज्ञासा शांत करने आए थे, लेकिन उस हिरण के जीभ की जिज्ञासा को देख के, ओ चेतनात्मा, उस जीभ की जिज्ञासा को देख के उनकी वो अपनी जिज्ञासा को शांत करने आए थे, लेकिन खुद ही उपदेशक बन गए। खुद ही उसके अंतर के सिंह के अंतर के उपादान ने उन वाणी खिड़ने में निमित्त बन गए और उनका उपदेश हुआ। और वो देखो, सिंह राज सम्यक दृष्टि हो गया भाई, छठा सेट उपशम सम्यक को प्राप्त करा। कितनी सी देर लगी? फिर पंचम गुण स्थान, वो पूरा जीवन भैया सूखे पत्ते खाके और एक स्थान पे बैठ के शरीर भी नहीं हिलाया, और सम्यक समाधि सहित भैया इस देह का त्याग किया पंचम गुण स्थान से। ओ जीव आत्मा, ओ जीव, ओ जीव, ओ जीव, क्या सुन रहे हो है? क्या सुन रहे हो? क्या सुनाई दे रहा है कि ना, जब अंतर में जिज्ञासा जागृत होती है, जब अंतर में बहुमान प्रकट होता है, जब अपने उपादान की योग्यता को जीव स्वयं पकाता है, स्वयं अपनी पात्रता को देखता है कि अरे देखो देखो देखो, काल आ गया है, अब तो होनहार जाग गई है, अब तो अंतर में वो ज्ञायक परमात्मा, वो निश्चल आत्मा, वो प्रकाशवान, अनंत प्रकाशवान स्वभाव स्वयं हृदय की भावनाओं में प्रकाशित हो रहा है भैया। स्वयं अंतर बहुमान जाग रहा है, स्वयं अंतर ज्ञायक भाव का उत्साह जाग रहा है। देखो तो, जिनेन्द्र भगवान की अमृत में वाणी चित्त को सराबोर कर रही है, और अंतर आत्मा स्वयं बहुमान से, रोमांच से भर के जय जयकार कर रही है कि देखो 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 देखो, हम पायो स्वामी आपनो। तारण स्वामी जैसे बनो रे। अरे कुछ नहीं, उनके शब्दों को सुन के बहुमानी कर लो। अरे देखो देखो देखो, ऐसे वीतराग लिंग को, जिन भर भगवान की वाणी को, इस तत्व को मैंने पा लिया है, जिन जिन भर पद पा लिया भाई, जिनेन्द्र पद पा लिया है, अपने सूक्ष्म में अतीन्द्रिय स्वभाव को प्राप्त कर लिया है। देखो देखो, मैंने पाया है, पाया है, पाया है। किसको? जिन प्रभु को पाया है भाई। हे भव्य आत्मा, कम से कम इतने ही बहुमान कर लिया करो रे कि हमने जिनवर परमात्मा को पाया। इतना भी नहीं होता क्या रे? अज्ञान, अज्ञानता और मूर्ता में जीव का पतन ही हुआ भैया। देखो तो, राजा जनक घर में रह के वैराग्य, कैसी गजब की बात है। अरे विदेही, विदेही, देह पे दृष्टि नहीं है, चाम पे दृष्टि नहीं, चमड़े पे दृष्टि नहीं है भैया। दृष्टि कहाँ है? एक अपने अभेद गायक स्वभाव पे भैया। वास्तव में, सही में, यदि अपन भी वास्तव में अपनी गर्दन पे भी तलवार रख दी जाए और अपने से कहा जाए कि देख देख देखो देखो देखो, यहां से दृष्टि मत हटाना, तो शायद अपन भी एक जगह बिल्कुल उस जगह देखते रहे भैया। क्यों? क्योंकि प्राण जाने का भय है कि यहां से दृष्टि हटी और प्राण गए। चेतनात्मा, एक भाव में मरण का भय बाहर की आंखों को भी एकाग्र कर देता है भगवान आत्मा। उपयोग में भी वही वही चिंतन ला देता है। क्या क्या चिंतन? अरे कहीं आंख ना झपक जाए, कहीं कहीं हमारी दृष्टि इधर उधर ना चले जाए, कहीं हमारा मन इधर उधर ना लग जाए, कहीं हमें नींद ना आ जाए। क्यों? क्योंकि यहां से हमारी दृष्टि गई और ये भाव गया। चेतन आत्मा, बाहर से प्राणों का भय आंख बाहर की आंखों को भी स्थिर कर देता है भगवान जी। लेकिन देखो कितना मूढ़ है ये व्यक्ति, अनंत काल से जन्म मरण कर रहा है और हर पल भाव मरण कर रहा है। और भगवान आत्मा ये भाव मरण की वेदना को हर समय सहन कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी इस जीव को ये बोध नहीं आ रहा है, बोध नहीं आ रहा कि देखो देखो, भगवान की अमृत में वाणी क्या कह रहा है भगवान, जिन दृष्टि युक्त सत्ता। कितनी सरल सी बात कह रहा है। अंतिम तिलक भगवान की वाणी का प्रसाद, उत्कृष्ट वीतराग धर्म, और क्या दिव्य ध्वनि में आया ये भव्य आत्मा। दिव्य ध्वनि का सार कि तू अपने वीतराग पद को देख ले, ये दिव्य ध्वनि का सार। स्वानुभूति में ले ले अपने अंतरात्मा को, ये दिव्य ध्वनि का सार। इससे कर्म क्षय होंगे, केवल ज्ञान स्वभाव प्रकट होगा और मंगल स्वभाव के आश्रय से मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। ये उपदेश शब्द का सार, वो सॉरी कमल 32 जी का सार, भगवान की वाणी के उपदेश का सार। हमारा आत्मा ये उपदेश सार, ये उपदेश का सार है। लेकिन भगवान आत्मा, अरे देखो तो, देखो तो, झिलमिल झिलमिल हो रहा है कि नहीं ये प्रकाशवान आत्मा? सहानुभूति अनुभव रस बरसे। देखो भैया, जो क्या बोलते हैं, आत्मार्थी होते हैं ना, उन्हें कविताएं तो अपने आप आने लगती हैं, लेकिन कविताओं को रोकना पड़ता है। ये शब्द अब भी बनाते जाएंगे तो अब भी वाली
चाहो तो 10 मिनट से कहना काव्य में ही निकल जाए, लेकिन इन इन परिणतियों को रोकना पड़ता है, इन कविताओं को रोकना पड़ता है, कभी तो ऑटोमेटिक हो जाते हैं भैया। लेकिन भगवान आत्मा सुनो तो, सुनो तो, सुनो तो, कुछ नहीं रखा कहीं किसी विकल्प में। अरे सत्य तो अपना ये ध्रुव आत्मा ही है भैया, इसे स्वीकार कर। निष्ठा की बात है यहाँ, यहाँ निष्ठा की बात है, यहाँ आनंद की बात है, यहाँ सहज आत्मसमर्पण की बात है भैया। और जितना गहरा समर्पण होगा उतना आंतरिक भाव, उतना अपना आत्मिक भाव स्वयं प्रकट हो जाएगा। आंतरिक आंतरिक परिणाम की बात चल रही है भगवान जी, चतुष्टय में आत्मा को गहराई से स्वीकार करने की बात चल रही है, गहरे तल से। और जीवात्मा जो भव्य जीव गहरे तल से अपने वितराग भाव को स्वीकार करता है, उसके लिए संसार पर्याय परिणमन ये संसार का भाव बिलाता है। और भगवान जी जो इस गहराई को नाप नहीं पाता, देखो तो अपना आत्मा अनंत गहरा है, जो इस गहराई, इस गहरे गंभीर आत्मा में गोते नहीं लगा पाता, अंतर आत्मा की अनंत गहराई को नहीं माप पाता भैया, तो उथले उथले ऊपर ऊपर अज्ञान भाव में चकराता रहता है। और भैया आत्मा आत्मा तो कहता है लेकिन आत्मा के गुणों का अनुभव नहीं जानता भैया, आत्मा आत्मा तो कहता है लेकिन आत्मा की प्रतीति को नहीं जानता, आत्मा आत्मा तो कहता है लेकिन आत्मा की शुद्ध सुरत नहीं जानता। और भैया जो आत्मा की सुरत नहीं जानता, जो वो आत्मा को नहीं जानता, याद रखो भगवान आत्मा आत्म सुरत ही साधना है, अन्य सब तो बकवास है। भगवान आत्मा तत्वों की यथार्थ प्रतीति ही सम्यक दर्शन है, और बाकी सब चर्चा ही चर्चा है भैया। हम आपको बार बार कहते हैं तत्व की भासना ही भेद ज्ञान है, और बाकी इस शरीर आदि से भिन्न मैं एक आत्मा हूं, ये सब कहना कहना है भैया। भासना का नाम भासना, प्रतीति का नाम श्रद्धान, और क्या कह रहा है भगवान आत्मा, सुरति की सुरति का नाम साधना। यह तत्व तत्व मूल तत्व गुरुदेव यही कह रहा है भैया, इस मूल तत्व पे जिनकी दृष्टि है वो शुद्ध दृष्टि है, और जो शुद्ध दृष्टि है वो मुक्ति को प्राप्त करेंगे। मूल तत्व को पकड़ो, मूल तत्व को, और बाकी व्यवहार तो भैया अनादि अनंत काल से अपनी योग्यता से परिणमित हो रहा है, व्यवहार का कर्ता कोई नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य का व्यवहार ये आत्मा का लक्षण है, इस व्यवहार की बात नहीं चल रही। लौकिक सांसारिक सामाजिक व्यवहार, चाहे वो माला खिसकाने का हो और चाहे वो नियम और व्रत का हो, ये व्यवहार पुण्य पाप आश्रित है। और आत्मा का जो रत्नत्रय में व्यवहार है वो सच्चा व्यवहार है, वो निश्चय व्यवहार है, और वो निश्चय व्यवहार आत्मा निरंतर कर सकता है। कैसे कर सकता है? सम्यक दर्शन का व्यवहार तो सबसे सरल है। देखो भैया चारित्र के व्यवहार, देखो एक अपेक्षाकृत चारित्र के व्यवहार में तो, लेकिन देखो, लेकिन भैया उल्टा बोल रहे हैं हम, उल्टा बोल रहे हैं, क्योंकि चारित्र से सरल कोई चीज नहीं, लेकिन उल्टा कह रहा है अभी आवृत्ति की अपेक्षा से, क्योंकि सबसे सरल चारित्र है भैया। क्यों? क्योंकि जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान हो जाता है, चारित्र हो जाता है, अरे जब तीन चौकड़ी कसाय का अभाव हो गया तो फिर दुविधा ही नहीं बची, फिर तो कठिनाई नहीं बची, सारी कठिनाई तो चौथे गुणस्थान को प्राप्त करने में है, चौथे गुणस्थान को उपलब्ध करने में सारी कठिनाई है भैया। अरे एक बार आत्मानुभव हो गया, अरे अरे भगवान जी देखो तो आगम, देखो आप आगम देखो तो बड़ा अचंभव होता है, कोई जीव पहले गुणस्थान वर्ती जीव भी बिना चौथे गुणस्थान में आए सीधे सातवें गुणस्थान को प्राप्त कर सकता, पहले गुणस्थान से सीधे सातवें गुणस्थान में छलांग लगा सकता। अरे कोई जीव आत्मा की अनुभूति करे, उसे तीन चौकड़ी कसाय का अभाव हो जाए, क्या करे, चौथे गुणस्थान में आए, शुद्ध आत्मा का अनुभव करे, और साथ में लगातार उपसंभाव का तो उद्भाव है, अर्थात उपसंभाव तो प्रादुर्भाव में है, क्या करे कि महा से आत्मा की अनुभूति करे, शुद्ध आत्मा का वेदन करे, और कर्म प्रकृति को उपशम करे, और पता लगे साथ में ही लगे लगे आत अनंत अनुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान आदि सब कसायों का भैया क्या कर दे, अभाव कर दे, इन सब का अनुदय आ जाए, और साथ साथ देखो तो और अति से संजलन कसाय की मंदता भी साथ में रहे, तो वो सीधा चौथा गुणस्थान वर्ती, वो पहला गुणस्थान वर्ती सीधे सातवें गुणस्थान में प्रवेश करता है। आत्मा की महिमा ही अपरंपार है भैया। बाहर में व्रत आदि का संयोग होना चाहिए, लेकिन पहले से द्रवलिंग होना चाहिए, तो वो व्रत आदि होने चाहिए, तो वो सीधे सातवें गुणस्थान में प्रवेश करता है। मन कसाई के परिणाम होते हैं, और वह जीवात्मा सहज 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 निर्माण मार्ग में जाता है, पहले गुणस्थान से सीधे सातवें गुणस्थान।
तो भैया लक्ष्य अनुभूति का लक्ष्य, लक्ष्य अपने ज्ञायक स्वभाव का लक्ष्य, अनुभूति का रसास्वादन भैया अपने ज्ञान में, अपने ज्ञायक तत्व में अनुभूति का रसास्वादन, रसास्वादन भैया। और भगवान आत्मा, यदि ऐसा आत्मा का रसास्वादन ना हो, ऐसे ज्ञान घन पिंड अपने ज्ञायक भाव का रसास्वादन ना हो, तो भगवान आत्मा कोई गुण स्थान नहीं है, पहला ही है बस, इससे ऊपर कुछ नहीं। तो अपन कौन है, अपन कौन है भगवान आत्मा? देखो अब तो तारण स्वामी की बात सिर माथे लो, सिर माथे, सिर माथे का मतलब समझ गया ना, ज्ञान में मुकुट है ये आत्मा, ये केवल ज्ञान में मुकुट का धारी है ये आत्मा। ए भव्य आत्मा, इस ज्ञान में मुकुट को धारण करो, तारण तरण की बात सिर माथे लो, जिन वाणी को सिर, देखो तारण पंथी बहुत बहुमान से अध्यात्म वाणी को सिर पे रख के नाचते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि तीनों लोगों का ज्ञान मुकुट लगा लिया। व्यवहार है वो नाचना, वो व्यवहार है, जनवाणी को सर पर रख के नाचना वो व्यवहार है, लेकिन ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है वो अध्यात्म वाणी नहीं, वो आत्मा का मुकुट लग गया हो। वो क्या, इस अध्यात्म वाणी में जो अनंत ज्ञान है, उस केवल ज्ञान के मुकुट को धारण कर लिया भाई, तो व्यवहार की बात है। लेकिन भगवान आत्मा अब तो निश्चय से इस ज्ञान में मुकुट को धारण करो, इस ज्ञान भाव के अपने अंतर हृदय में इस ज्ञान भाव के मुकुट को धारण करो, ये 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 निर्वाण का प्राप्त कराने वाला भी। अरे गुरुमान सहरों फूलना लिखी है, बहुत आनंद में है भाई, वो तो कह रहा है इस ज्ञान में सहरे को बांधो और निर्वाण को प्राप्त करो, यही समय का सहार। ज्ञान में सहरा बांधो, केवल ज्ञान का सहारा बांधो, वैसे तो फूलना का मूल अभिप्राय है वीतरागता का सहरा बांधो और सिद्धि मुक्ति को प्राप्त करो। यदि तुम वीतरागता का सहरा नहीं बांधते, सिद्धि मुक्ति को प्राप्त नहीं करते, तो भैया फिर संसार का जो सहरा बांधोगे, अर्थात शादी ब्याह का जो सहरा बांधोगे भगवान आत्मा, उससे तो अनंत संसार ही बढ़ेगा भैया, और अनंत संसार को बढ़ा के इस संसार में जन्म मरण करते रहोगे। इसलिए आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने संसार के संसार का सहरा बांधने की प्रेरणा नहीं दी, ये माला रोहण जी जो अपन पढ़ते हैं ना शादी में, ये तो इसलिए नहीं पढ़ते कि माला रोहण जी शादी कराने के लिए है भैया, माला रोहण जी इसलिए पढ़ते हैं कि कहीं सुनने वाले दूल्हे को या दुल्हन को यदि माला रोहण आत्म गुणों में आरोहण प्रकट हो गया तो वो शादी छोड़ के भाग जाए, इसलिए पढ़ते हैं भाई। ज्ञान का सहरा बांधे, और जैसे नेमिनाथ वैरागी हो गए थे, बारात छोड़ के चले गए थे, वैसे भैया ये ज्ञानी माला रोहण सुन के अपने ममल स्वभाव की आराधना में रत हो जाए। भगवान आत्मा सावधान, सावधान भैया सावधान, क्या कहना चाह रहा हो भैया? जिन दृष्टि युक्त सद्धा, इतनी सी बात बस, आगे कर्म से हो जाएंगे, ज्ञान स्वभाव के आश्रय से केवल ज्ञान हो जाएगा, ममल स्वभाव के आश्रय से मुक्ति मिल जाएगी, ये सब तो हो गई, ये तो होना ही है, लेकिन मूल है जिन दृष्टि उक्त शुद्धम, बस इतनी सी बात। भाई कब तक चलेगी गाथा? आज 4 दिन हो गए, एक आध दिन और बस, कल तिलक, कलश्मी ना, कल तिलक करके कमल 32 जी का वांचन पूर्ण कर देंगे अपन। चलिए बताओ क्या है भगवान की वाणी, भगवान के वचन, गुरुदेव का उपदेश कि हे आत्मान, क्या अपना वीतराग स्वभाव अपनी प्रतीति में झलक रहा है कि नहीं? आत्मा में हर्ष हो रहा है कि नहीं? हर्षित आनंदित, ये अपना अनंत चतुष्टय में स्वभाव, हर्ष और आनंद के साथ ये अपना ममल भाव अंतर से प्रकट हो रहा है कि नहीं? ऐसा लग रहा है कि नहीं? देखो भैया ये ज्ञान आनंद में, ज्ञान घन में, ज्ञान आनंद घन में, ये मेरा ही स्वभाव भैया, इस ज्ञान में, इस ज्ञान अमृत में, ज्ञानानंद स्वभाव में आनंद के अलावा और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अरे रे देखो रे, ये जीव आत्मा को यदि अपने ही जीवत्व का, अपने चैतन्य में होने का बोध नहीं आया तो क्या आया भगवान जी, क्या आया? अच्छा बताओ, आखिरी बात पूछ रहे हैं, हम आपको 5 मिनट पहले छोड़ देंगे, आप हमें एक छोटी सी बात का जवाब दे दो। यदि इस मनुष्य भाव में इस वीतराग कुल को प्राप्त करके मैं ही चैतन्य हूं, यदि चैतन्य होने का बोध नहीं आया तो इस मनुष्य भाव में अपन ने क्या प्राप्त किया, बता दो बस, इतना सा बता दो। इस मनुष्य भाव को प्राप्त करके मैं चैतन्य हूं, यदि ऐसा बोध नहीं आया तो भगवान आत्मा बस इतना बता दो
कि इस मनुष्य भाव को प्राप्त करके तुमने क्या प्राप्त किया, बस इतना बता दो, इतना सा बता दो और लीव हो जाओ, छोड़ दो। क्या प्राप्त किया? पुत्र, परिवार, घर, दौलत, जन्म मरण, विषय वासनाएं, क्या प्राप्त किया जल्दी बता दो बस। कि भैया हम तो वैसे ही लीव हो जा रहा है बस। ठीक है भगवान आत्मा, हो ही गए शायद 80 लोग के करीब, 80 से 10 लोग तो चले ही गए, 70 हो गए। तो भगवान जी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपने जितना लाभ लिया उतना अच्छा। लेकिन भगवान आत्मा सावधान, यदि इस मनुष्य भाव में इस जिन कुल को पाके, यदि तुम्हें जिनेन्द्र पद के होने का बोध नहीं आया, कहां जिनेन्द्र भगवान में जिनेन्द्र पद है, नहीं मेरे अंतर में ये जिनेन्द्र पद है, जितेंद्रीय आनंद का भाव है। यदि इस जिन कुल को पाके तुम्हें अपने जितेंद्रीय आनंद स्वभाव के होने का बोध नहीं आया, जिन पद के होने का बोध नहीं आया, तो जन्म लेना बेकार और जिनवाणी संधा बेकार। सही कह रहा है, आत्मा ध्रुव समय का सार है। बस इतनी बात कह के हम पूरा कर रहे हैं भैया, कि हृदय से सच्ची भावना हो कि हे गुरुदेव, आपकी अमृतमय वाणी, आपका ये अमृतमय ग्रंथ, ये कमल स्वभाव अर्थात अपने निर्लिप्त भाव को बैठाने वाला ये वीतराग में जो भाव है, ये जो ग्रंथ है कमल बत्तीसी जी, हे सदगुरुदेव मुझे इसमें उत्पन्न ये शुद्ध आत्म जिन देशना, आपके दिखा आपके द्वारा दिखाया हुआ है सदमार्ग, मुझे अपनी अनुभूति से जयवंत हो, मैं भी अपने शुद्ध स्वभाव को देखने के पुरुषार्थ को प्रकट करके और इस भाव भ्रमण की पीड़ा से मुक्त हूँ, अरे इस भाव भ्रमण से छूटूं, यही मेरी भावना है। भव्य आत्मा कम से कम भाव नहीं भालो रे सच्चे आनंद की, संसार की भावनाएं भाते भाते ये चित्त, ये पापी चित्त बहुत कठोर हो गया है, पापों से भरा भरा गया, कसाय से भरा गया, मान से, अहंकार से, क्रोध, काम, लोभ विषय वासनाओं से भरा हुआ चित्त बहुत कठोर हो गया है भैया। अपने आत्मा की बात सुन के भी पिघलता नहीं है, भगवान की परमात्मा की वाणी सुन के ही पिघलता नहीं है, अंतर में कोमल नहीं होता, अंतर की ओर मुड़ता नहीं है, आत्मा आत्मा तो चिल्लाता है, अरे आत्मा की बात समझने लगा तो आत्मा की बात को बुद्धि में तो बखारता है, लेकिन अंतर आत्मा के अनुभव में खोता नहीं है, अंतर की ओर ढलता नहीं है भैया, सौ पथ की ओर ढलता नहीं है। तो भगवान आत्मा सदगुरु के चरणों में, क्योंकि तो सच्ची भक्ति, सच्चा समर्पण, सच्ची भावना निर्वाण को देने वाली है भैया, सदगुरु के के चरणों में, गुरुदेव की वाणी के समक्ष, गुरुदेव से ही इस कमल बत्तीसी जी के प्रसाद को ले लो। बाहर का प्रसाद मत लेना, चाहे खोपड़े नारियल गोले का, लेकिन गुरुदेव से ये कमल बत्तीसी जी का जो प्रसाद है, इसे भावपूर्वक ले लो भैया, और इस प्रसाद को ग्रहण कर भैया इस जन्म मरण से छूट जाओ, अपनी भावनाओं के बेग से तारण तरण जिहाज के चरणों में एक छोटी सी अर्जी रख दो कि हे गुरुदेव, आपने जो मंगल में उपदेश दिया है जिन दृष्टि, क्या कि अपने वीतराग स्वभाव को देखो, ऐसे उपदेश को ग्रहण करने की पात्रता अर्थात श्रद्धान का बल, ज्ञान का बल, चारित्र का बल मुझे प्रदान कीजिए और मैं आपके समान इस मार्ग में चल सकूं, यही मेरी मंगलमय भावना है। ऐसी अंतर में आनंद की भावना, सत्य श्रद्धान को ग्रहण करने की भावना अपने जीवन में प्रकट हो और सभी भव्य जीव अपने निर्वाण के मार्ग को प्राप्त करें भैया, यही सदगुरुदेव का हम समस्त भव्य जीवों के लिए मंगलमय उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरण मृणालाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय जय।